ये देख रहे हैं एंटिक चीज़ें हैं, ये पुरानी ये आपको दिखा रहे हैं, और ये देखें एंटिक चीज़ें। मैं इनसे पूछता हूँ, ये इसके बारे में बताएंगे ये कितनी पुरानी एंटिक चीज़ है। ये भजन 71 में जो है लेके आए थे हमारे बड़े भाई साहब मरो मस्कत से। सही है। और ये स्टैम्प जो है ना बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, यानी आप इसका कवर तक देख लें, ये हेडफोन देख लें, ये हेडफोन जो है ना वो JVC जो सेट आता था ना डेक जी जी बड़े स्पीकरों वाला, ये उसके साथ का है, वो डेक तो नहीं रहा। और ये और ये जो है ना ग्रामोफोन जो है, ये कैसेट आप देख रहे हैं ना कि इसमें ये पहले ये सिस्टम से चलता था, आपको ये नहीं है। बाकी वो कैसेट रिकॉर्डर जो है ना वो भी इसी डेट का है, इसी ईयर का है, 71। अच्छा, ये चीज़ जो है ऑन है, ये सब चीज़ें? हाँ बिल्कुल ऑन है। अच्छा, ये 110 पे चलते हैं। अच्छा, ये 110 वाले? हाँ ये 110 वाले हैं, इसमें अडॉप्टर वगैरह जो है ना वो थोड़ा मिस हो गया मन से। अब तो 240 बिजली आ रही है तो लाजमी 110। वो अडॉप्टर जो है ना वो आ जाते हैं, मिल जाते हैं अडॉप्टर, तो आप इसमें कोई भी लगा लें। अभी इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये एंटिक चीज़ है, लाजमी है पुराने लोगों के देखने के लिए, म्यूजियम में रखने के लिए है ये चीज़ें, तो ये क्या मतलब आपका ये है कि आप क्या चाहते हैं कि ये एंटिक चीज जो है, ये जो एंटिक आइटम वो जो समझते हैं जो शौकीन लोग हैं। हाँ क्योंकि देखिए अब हमारे पास तो जो है ना वो वक्त है, एज के हिसाब से भी देखा जाए, जो शौकीन लोग हैं वो उसको इसको म्यूजियम में रखें या अपने पास रखें या जैसे भी है, जो भी उनकी मुनासिब जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अच्छा, आप इसको मतलब देना चाहते हैं कि दे दें? हाँ। तो ये लोग तो फिर भी संभाल के रखते हैं पुरानी चीज़ें, तो आपका अभी तक ऐसा क्यों प्रोग्राम बन गया 2022 और आज क्या डेट हो गई? 27 आज 27 27 अगस्त है ये, तो क्या प्रोग्राम बन गया ऐसा कि ये आप बेचने पे मजबूर हो गए? इसलिए बन गया कि ये बड़े भाई जो हमारे मरहूम थे ना उन्होंने, अच्छा ये जो है ना ये जो हमारे बड़े भाई थे ना मरहूम जहूर साहब, उन्होंने तो इसको बहुत संभाल के रखा हुआ था, अब वो दुनिया में नहीं है, उनको 5 साल हो गए, उनकी निशानी मैंने रखी हुई थी बहुत संभाल के। लेकिन अब ये समझ लें कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं आपको तो पता है कि माशी हालात हर इंसान के बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने सोचा कि चलो इसको डिस्पोज ऑफ करके कुछ थोड़ा सा जरिए माश ही जो है ना वो बना लिया जाए, ठीक है ना। अब ऐसे रखी हुई चीज़ तो ये कोई हेल्प नहीं कर रही है। अभी मेरे को पता चला था कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये क्या वजह थी तबीयत ख़राब होने की? वजह ना एक तो लॉकडाउन का था, फिर एक्सीडेंट हुआ था मेरा। अच्छा, ये पाँव में बहुत शदीद तकलीफ, फिर उसके बाद सुना है कि आप उसके बाद जो है ना बस कोई ब्लड प्रेशर ये वो एकदम आलत जिसमानी तकालीफ की वजह से जो है ना कुछ इसमें ये है कि अपने इलाज मालजे के लिए पैसे जो है ना उसकी ज़रूरत है। अच्छा, तो आजकल तो आपको पता है कि दवाएं दारू डॉक्टर कितने महंगे हैं आम आदमी, कि आपको तो पता है कि आजकल ये यूटिलिटी जो है ना कितनी कॉस्टली हो गई है, यानी आम आदमी जो है ना वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा है। मिसाल के तौर पर आपके इलेक्ट्रिक है, उन्होंने तो यानी जहनी मरीज बना दिया है, अब हमारा जो है 200 यूनिट से ऊपर नहीं जाता, इतना हम लोग कंट्रोल करते हैं। और बिलिंग आप देखें कि जनाब 7,000 8,000 7,000 8,000, जबकि माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, बेटा जो है ना अभी वो जो कमा रहा है वो 30,000 रुपये महीना। अब 30,000 रुपये महीने में आप लगाएं कि बिलिंग में गैस का बिजली का और ये देने के बाद हमारे हाथ में क्या बचता है जनाब? 8,000 9,000। अब 8-9,000 से 7-8 माशाल्लाह मेंबर हैं हम लोग, तो किचन कैसे चलेगा, मेरी दवा दारू कैसे चलेगी? आपकी कोई हुकूमत पाकिस्तान से कोई वो है? मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से मैं क्या कह सकता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है, अब तक उसने क्या किया है उसको क्या चीज़ का इल्म नहीं है? वो हाकिम में वक्त हैं, उनको नहीं पता। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने ये कहा था कि मेरी हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी मर जाएगा ना समझना दरियाए दजला पे, तो उसका भी मुझे हिसाब देना है, ठीक है ना। तो ये तो इनको तो परवाह ही नहीं है कि आवाम का क्या हाल है, ये आपस में अपनी सियासत में लगे पड़े हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे पड़े हैं। मेरी तो गुजारिश यही है कि खुदारा कम अज़ कम जो है ना वो जो ये जो है हमारे साबिका वज़ीर आज़म ने
जो नारा लगाया था कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना में जो है ना सबसे पहले तो ये चीज़ आती है, यदि हज़रत उमर का जो ना कॉल वो सामने रख के आप देखें कि आपकी कौम का क्या हाल है, इस टाइम सिंध के अंदर क्या हाल है, सैलाबी रेले आ रहे हैं, ये हमारे आप देख लें तो कौन है पुरसान हाल, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन क्या है कि कम अज़ कम वो बैलेंस तो करें, आवाम को कुछ रिलीफ तो दें, किसी चीज़ में रिलीफ नहीं दे रही है, ना पानी में ना बिजली में। ये आप देख रहे थे PK47 न्यूज़ इमरान कराची, ये तो खैर एंटिक चीज़ें बेचने पे मजबूर हुए हैं, यहाँ तक के इन्होंने अपना फ्रिज भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अपने कर्जे उतार उतार के जो घर भरा हुआ था, जिस तरीके से ये रिहाइश रखी हुई है इन्होंने, अपनी सारी चीज़ें बेच दी, मतलब अब ये क्या कह सकते हैं, किस तरीके से अब इसको चलाना है, अब हमारी ये पाकिस्तान की फ़ौज ही है, अगर ये कुछ हमारे पाकिस्तानियों के लिए कर दे तो कर दे, बाकी तो अल्लाह हाफिज़ है, फ़ौज ही कर सकती है, माशाल्लाह लगा देगी तो इंशाल्लाह गरीबों को रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि और इमदाद आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गरीब आदमी जो है ना भूखा मर जाएगा, कुछ लोगों ने तो खुदकुशियाँ कर ली हैं, सब कुछ कर ली। PK47 न्यूज़ इमरान कराची, सच की आवाज़, अल्लाह हाफिज़।